नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 19 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए। अपने साथ पेन कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। तो यह वीडियो स्पेशल HSSC, SSC, रेलवे, बैंक और यहाँ तक कि जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस पर आपको स्टडी मटेरियल या इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर न्यूज में आज की पहली न्यूज क्या बनी है। तो पहली न्यूज रैंकिंग रिपोर्ट और इंडेक्स से पहली न्यूज बनी है। महामारी के कारण पिछले 77 मिलियन से अधिक लोग गरीब में चले गए हैं, यह रिपोर्ट UN के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के अंत तक कुछ 20% देश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2019 पूर्व के स्तर पर वापस नहीं आएंगे। दूसरी खबर क्या है? केंद्र ने सरकार ऋण पर स्थिति पत्र का 10वां और 11वां संस्करण जारी किया है। तो सरकारी ऋण स्थिति पर किसने 10वां और 11वां संस्करण जारी किया है? तो केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। केंद्र 2010-21 में सरकारी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति पत्र ला रहा है। तो राष्ट्रीय न्यूज क्या बनी है? तो पहली न्यूज बनी है प्रधानमंत्री मोदी ने भुज के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया है। तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जिसका नाम है के पटेल, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भुज, गुजरात के भुज में इसका निर्माण किया गया है। ये प्रधानमंत्री ने इसका अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया है। दूसरी खबर क्या है? प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो ये गुजरात के मोरबी में किया गया है। अब प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रोजेक्ट इनोग्रेट वाई प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर पांडाचेरी में लोगों को राष्ट्र समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने नए कैंपस ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ये चेन्नई में शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी एट द विक्टोरिया मेमोरी हॉल कोलकाता में राष्ट्र को समर्पित किया है। तीसरी खबर क्या रही है? सरकार ने मार्च 2026 तक संशोधन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कितने वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी गई है? तो मार्च 2026 तक। चौथी खबर क्या बनी है? NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में विकसित की जा रही है NHPC के द्वारा? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगली खबर है केंद्र ने 2021-22 में PMGKY और NFSA के तहत FCI राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 294,718 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर से क्या रही है? इजराइल ने नई लेजर आधारित वायु सुरक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल के द्वारा किया गया है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV रॉकेट मोटर्स, लंबी दूरी की मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलें
आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसराइल के बारे में बात करें तो इसराइल की राजधानी है जेरूशलम, इसकी करेंसी का नाम है शकेल और इसके प्रेसिडेंट हैं इसाक हेरजोग और प्राइम मिनिस्टर इसके हैं नफ्ताली बेनेट। रिवीजन के बारे में बात करें, इसराइल ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है एरो 3 का। अगली खबर है, अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। तो 183 दिन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे हैं? तो ये लौटे हैं चीन के पृथ्वी पर। अब समिति से खबर क्या रही है, पहली प्रश्न न्यूज बनी है, भारत ने नई दिल्ली में हावर्ड्स के हेफेयर एकॉन्फ 2022 की मेज़बानी के लिए बोली जीती। तो नई दिल्ली में हावर्ड्स के हेफेयर एकॉन्फ 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में, 16वीं इंडिया डिजिटल समिति, ये मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट, जिसे प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है, इसकी थीम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अवार्ड होने से क्या खबर बनी है, लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित उड़ान योजना। तो ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है, लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? तो ये चयनित किया गया है उड़ान को। अगली खबर बनी है हमारे पे ऐप और पोर्टल से, तो मूर्त ने दुर्घटना क्षतिपूर्ण दावों को तेजी लाने के लिए ई दार पोर्टल विकसित किया है। तो ई दार पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मूर्त के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरी खबर है, नीति आयोग मई में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। तो राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है बिल्कुल, नीति आयोग मई में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च करने वाला है, ताकि उपभोक्ताओं के अनुकूल प्रारूप में सरकारी डेटा प्रदान किया जा सके, डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से क्या न्यूज़ बनी है, सपोर्ट से न्यूज़ बनी है, खेल मंत्रालय आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए एथलीटों और उपकरणों के लिए प्रशिक्षण पर 190 करोड़ रुपये खर्च करेगा। तो आगामी राष्ट्रमंडल खेलों या एशिया खेलों के लिए भारत सरकार कितने रुपये खर्च कर रही है? तो 190 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। दूसरी खबर है, भारतीय खेल प्राधिकरण में 2509 खेलो इंडिया एथलीटों की जेब से पे जारी किए गए हैं। कितने रुपए जारी किए गए हैं? तो 7.22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब तीसरी खबर क्या है, वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। तो डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में वेदांत माधव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा रजत पदक जीता है। मर्ज एंड एक्विजिशन से क्या खबर बनी है, यूबीआई आईबी आईआईबीएम ने बॉब और आईबीओ द्वारा संयुक्त रूप से 75% साझेदारी खरीदेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या खबर बनी है, आईआईटी गुवाहाटी में CO2 को पकड़ने के लिए ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ सहयोग किया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। तो आईआईटी ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए किसके साथ समझौते किया है? तो NTPC के साथ समझौता किया गया है। अब इम्पोर्टेंट डेट से क्या खबर बनी है, विश्व होम्योफेलिया दिवस कब मनाते हैं? तो यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 33वां एडिशनल है और इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस इगेगिंग योर गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू द नेशनल पॉलिसी। दूसरी जो न्यूज है वो क्या है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाते हैं? यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है, हाथी बचाओ दिवस फेस्टिवल से क्या खबर बनी है, पांडिचेरी LG में समुद्र तट पर महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन करेगा। ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो जाता है।
सी पोंडी महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये पांडुचेरी के अंदर मनाया जा रहा है। अगली न्यूज है हुनर हाट का 40वां, ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है ये भी। हुनर हाट 40 का संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है 2022 का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो वन लाइनर प्रश्न है, 19 अप्रैल 2022 के 16 से 27 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट 40 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। हाल ही में भारत किस राज्य में सकुरा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मणिपुर में खोजी गई है सकुरा प्रजाति। हाल ही में कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आई सी पोंडी 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो पांडिचेरी में किया जा रहा है। अगला, चर्चा में रही लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लखवासी ब्यास परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। आपसे रिक्वेस्ट है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चर्चा में रहा एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। तो धारा, बहने वाली धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा कैसे जोड़े जाते हैं? ये सीरीज या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह 1845 से 1846 के मध्य हुआ। इस युद्ध के दौरान दोनों सेनाएं 5 बार आमने सामने हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच 1845-46 के बीच में लड़ा गया। इसका परिणाम क्या निकला? लाहौर की इसके अनुसार संधि हुई। सिखों के समस्त प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए गए। द्वितीय आंग्ल युद्ध, यह 1848-49 के मध्य हुआ। इस युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्र वाले राज्य तथा अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848-49 के दौरान लड़ा गया। प्रतिभागी इसमें सिख साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही। सताने पंजाब में लड़ा गया। इसका परिणाम था ब्रिटिशों की निर्णायक जीत हुई इसमें। अब हम बात कर लेते हैं सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 में हुआ। जन्म सताने अमृतसर पंजाब में हुआ। पिता इनके गुरु हरगोविंद सिंह थे। बचपन का नाम इसका त्यागमल था। और तेग बहादुर को शहादत 24 नवंबर को प्राप्त हुई। सिखों के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल मुसलमानों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उनके निष्पादन और दाह संस्कार के स्थल हैं। सिखों के 10 गुरु के बारे में बात करें तो पहले गुरु गुरु नानक देव थे, दूसरे अंगद देव थे, तीसरे अमरदास थे, चौथे रामदास थे और पांचवें अर्जुन देव थे, छठे गुरु हरगोविंद थे, सातवें हर राय थे गुरु, और आठवें गुरु हरकिशन साहिब थे, नौवें तेग बहादुर हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह रहे हैं। यूनेस्को के बारे में बात करें, यूनेस्को फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन का एक लघु रूप है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख संगठन है और भारत इसका 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को ही, इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है और इसके 193 सदस्य और 11 समृद्ध सदस्य हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, 30 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोल, फ्रांस की रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, विरासत दिवस। इसका उद्देश्य होता है वैश्विक विरासतों को संरक्षण करना। 18 अप्रैल 1978 विश्व स्मारक दिवस के तौर पर मनाया गया। 18 अप्रैल 1982 में ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइंस के सबसे पहले विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। 1983 में यूनेस्को ने स्मारक दिवस को विश्व विरासत दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की और 2022 की जो थीम है वो है धरोहर और जलवायु। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल 40 हैं, प्राकृतिक 7 हैं, सांस्कृतिक 32 हैं और मिश्रित 1 है। 39वां है
रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, और 40वां है धोलीवीरा गुजरात हड़प्पा। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 में की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक इसके आंद्रो एजोल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समारोह सतल परिषद मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 1965 में हुई। अध्यक्ष इसके टेरेसा पैट्रिसियो हैं। भारत के 40 विश्व धरोहर स्थल, तो सबसे पहले हम बात करें हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। दूसरा है उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, नंदा देवी 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में। अब उत्तर प्रदेश में आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा। असम के अंदर है मानस वन्य जीव अभयारण्य काजीरंगा। बिहार के अंदर महाबोधि मंदिर है, नालंदा है। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा के अंदर सूर्य मंदिर है। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम के स्मारक है, महान चोल मंदिर है। और कर्नाटक के अंदर हम्पी के स्मारक है और पट्टा कलर के स्मारक है। गोवा के अंदर गोवा की चर्च है। महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको है। गुजरात में चंपारण है, रानी की वाव है, अहमदाबाद है और धोलावीरा है। राजस्थान में केवला देवी है, जंतर मंतर है, राजस्थान की पहाड़ी है जयपुर में। और चंडीगढ़ में लियो कुरियन के स्थल हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, सांची का सपूत है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है और लाल किला है। ये सभी हमारे विश्व धरोहर रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कुए पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है